सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एंड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड अगेन, ये वीडियो आप स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही बनाई जा रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल भी बच्चों इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए, और हो सकता है कि इस बार भी एग्जाम के अंदर आपको ये जो है वो क्वेश्चन दे दिया जाए। बहुत बेसिक सी बात करेंगे, आपका एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी से हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ बच्चों, इस वीडियो के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल तौर पर खुद से करने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टूडेंट, आपने याद रखना है, तेज तेज चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यू हैव 4 मेन ऑर्बिटल्स। आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल्स हैं। अभी मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, ये जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपने एग्ज़ाम की कॉपी लेनी है, सबसे आखिरी साइड पर जाना है और पेंसिल से ये काम कर लेना है। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये चार्ट आपके इस्तेमाल में आने वाला है। कैसे होगा ज़रा जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। आप ज़रा देखो, लिखने का तरीका सीखना है बच्चों, लिखने का तरीका सा हर चीज़ को डबल डबल। ठीक है, सबसे पहले हम एस की बात करते हैं, चलो पहले नंबर दे देते हैं। ये पहला है ऑर्बिटल, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, स्टेप वाइज याद करते रहो, मेरे स्टेप्स को देखोगे तो मैं कुछ भी याद करने की ज़रूरत बच्चों नहीं पड़ने वाली। सबसे पहले क्या किया था, एस पी डी एफ लिख लिया, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ लिख लिया, नंबर किया 1 2 3 4, कर लोगे ना इतना। अब गौर करना है, देखो पहला शेल है एस, पहला ऑर्बिटल है एस, आपने एस को 2 दफ़ा लिख दिया। अब हम अगले पे जाते, पी पर आते, पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अब हम पी से एस की तरफ आएंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो हर चीज़ को 2 दफ़ा, एस था ना 2 दफ़ा लिखा, तो अब पी से एस पर आएंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे, पी एस पी एस। आई बात समझ। और ये जो पी एस है, ये पी एस है, ये आपने इसके सामने नहीं लिखना, ये आपने सेकेंड रो में लिखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे जाएंगे, अब डी पर आते, अब डी से पीछे आएंगे, तो क्या बनेंगे, डी पी एस, क्या बनेगा, डी पी एस। और हर चीज़ को 2 दफ़ा लिखना है, तो दोबारा लिखेंगे डी पी एस। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है बच्चों, फीलिंग आनी चाहिए, समझ आना चाहिए कि किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। फिर आते हैं 4th और लास्ट शेल के ऊपर, दैट इज़ एफ। अब वापस एफ से आएंगे, तो एफ डी पी एस, क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो मेरे साथ, एफ डी पी एस, और 2 दफ़ा लिखेंगे, तो एफ डी पी एस। क्लियर हो गया, चार्ट बन गया, बस यही चार्ट था। अब इसको नंबरिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग करनी है। देखो सबसे पहले एस के साथ यहाँ 1 लगा दिया, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं, तो दोनों तुम देख लो, जिस तरीके से आसान लगे उसको फॉलो करो। अच्छा, ये सारा काम आपने कॉपी के लास्ट जो पेज होगा बैक साइड पे, वहाँ पर ये काम कर रखना है अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। देखो एस के साथ 1 लगाया, आप जितने ऐसे उनको नंबरिंग दे दो, फिर ये 2 आया, 3s, फिर इसके साथ 4 लगा दिया, इसके साथ 5 लगाया, इसके साथ 6 लगाया, इसके साथ 7 लगाया, और इसके साथ 8 लगाया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो 2 तरीके हैं। अब देखो P कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, S कहाँ से हुआ था, 1 से, तो S के साथ 1 लिखा था, फिर आगे नंबरिंग की थी। अब जहाँ P है, P के साथ क्या लिखना है, 2, तो पहला P ये रहा, 2 3 4 5 6 7, एक एक कम होता जा रहा है, एक एक घटता जा रहा है। वो 8 पे ख़त्म हुआ था, P 7 पे, D किस पे ख़त्म होगा, 6 पर, F किस पर, 5 पर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। S के साथ 1 लिखा था, अरे तुमने खुद ही तो लिखा था, उस 1 से चलोगे, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। फिर देखो P पे 2 था ना, तो P को 2 से शुरू करेंगे, तो 2 3 4 एंड सो ऑन 6 टिल 7। क्लियर है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हो। देखो ये पहली रॉ थी, 1 से शुरू किया, ये दूसरी रॉ थी, 2 से शुरू किया, ये तीसरी रॉ 3 से शुरू होगी, चौथी रॉ 4 से शुरू होगी। आया फीलिंग, आई समझ में आया, तो इस तरीके से आप, ये दूसरा मेथड है, आप ऐसे भी याद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो डी के साथ क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, हमारा खुद ब खुद 3 आ गया। अगर ऐसा नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जिसकी नंबरिंग की है उसी को आगे चलाओगे,
अब डी के पास 3 था तो अगला डी 4, अगला डी 5, अगला डी 6। देखो 8 पे ख़त्म हुआ, 7 पर ख़त्म हुआ, 6 पर। अब F के साथ देखो 4 पहले से लगा हुआ, अगला F ये रहा। दैट इज़ योर फाइनल चार्ट, हो गया, चार्ट बन गया। ठीक है, यही वो चीज़ है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आती स्टूडेंट्स। ठीक है, यही यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चार्ट बना लिया बस। अब आपके पास आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर आखिरी चीज़ रह गई है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखो हमेशा याद रखो S, बच्चों S, देखो आपके घर में अगर कोई बर्तन है, उस बर्तन की कोई ना कोई गुंजाइश होगी। ठीक है, आप बर्तन का सेट लेने जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक होता है, छोटे में कम सामान, फिर बड़े में ज़्यादा, उससे बड़े में और ज़्यादा, उससे बड़े में और ज़्यादा। सिमिलरली यही काम यहाँ पर चलेगा। एस जो है ये बच्चों सबसे छोटा ऑर्बिटल है, यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डालना है हमने हर ऑर्बिट के अंदर, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यही हमने सीखना है। तो एस की औकात है 2 इलेक्ट्रॉन की। एस कहता है कि 2 से कम इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास पी। पी कहता है जी 6 ले आओ, मेरे पास 6 की गुंजाइश है। किसकी गुंजाइश है? 6 की गुंजाइश है। 6 से कम तो चलेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आ जाता है जी हमारे पास डी। डी कहता है कि अरे सर 10 चलेंगे, 10 का लोड बर्दाश्त कर सकता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन 10 से 11 नहीं होने चाहिए। जैसे ही 11वां आएगा उसको आगे फेंक देंगे। वो कौन ले लेगा? वो ले लेगा एफ। तो F कहता है जी मैं 14 इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। इलेक्ट्रॉन जो F की तादाद है दैट इज़ 14। अच्छा, एक और यहाँ पर ट्रिक बच्चों ने लड़ा भी ली होगी, ये सर 4 प्लस हो रहा है, 2 में 4 जमा किए, 6 6 में 4 10, 10 पे 4 14। अरे एक और ट्रिक आ गई। क्लियर है, तो S याद हो गया, फिर बाकी खुद ब खुद 4 जमा करते जाओ। तरतीब याद रखनी है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। क्लियर क्लियर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया ऑक्सीजन का। अच्छा, जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर के ऊपर होती है, दैट सी बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनिक जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास में तो न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ये तुम्हें पेपर में दिया होगा। अब तुम्हें कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताएं। ये चार्ट तुम्हारे पास होगा, ठीक है, तुमने पहली रॉ से शुरू करना है, पहली रॉ से ज़रा गौर करना है। पहली रो में क्या है? 1s, 2s। देखो कैसे लिखेंगे, आपने लिखा 1s, कॉमा 2s। अभी हमने पढ़ा s कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो हमने यहाँ पर लिखा 1s2, फिर हमने लिखा 2s2। ठीक है, 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों? 4 हो गए। ऑक्सीजन के पास थे कितने? 8, 4 और रह गए। पहली रॉ कंप्लीट हो गई ना, अब आओगे सेकंड रॉ के ऊपर। सेकंड रॉ में क्या है? 2p, तो हमने कॉमा लगाया 2p। अच्छा, p की औकात कितनी है बच्चों? औकात यह है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। हमारे पास कितने बचे? 4 बचे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 थे, 2 और 2 4 हो गए, पीछे कितने बचे? 4 बचे। तो p में कितने आएंगे? 4। इस चीज़ को समझना है बच्चों। देखो पी ज़्यादा से ज़्यादा 6 को रख सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं रख सकता, लेकिन कम रख सकता है। अगर पी में 1 भी दोगे रख लेगा, 2 दोगे तब भी रख लेगा, 4 दोगे तब भी रख लेगा, लेकिन 6 से 7 दोगे तो फिर वो नहीं रखेगा। तो हमारे पास क्योंकि 4 बचे थे तो 2p के अंदर आ गए 4। दैट इज़ बेटा कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आप किसी भी जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको इस चार्ट की भी नीड नहीं रहेगी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किया तो उनको चार्ट की नीड भी नहीं रही, वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते गए। चलो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा जिनका कॉन्सेप्ट नहीं अभी भी क्लियर हुआ तो वो एग्जाम्पल की मदद से जो है वो चीज़ को क्लियर कर लें। चलो ऑक्सीजन की बात की, अब हम बात कर लेते हैं जी मैग्नीशियम की। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, 12। कोशिश करो, वीडियो को रोको, खुद से करो, फिर मुझे बताना कमेंट में कि सर मैंने सही किया पहले के बाद या नहीं किया। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सबसे पहला पहली रॉ में आएंगे 1s 2s। चलो शुरू के 2 तो लिख ही लिया करो, क्योंकि इतना तो चलता ही है। 1s 2s
अच्छा 12 है ना, अगला भी लिख लेते हैं 2p, ठीक है समझ में आ रही है ना। 1s 2s हो गया, फिर हम अगली रॉ पे आए 2p, फिर आएगा 3s। चलो अभी 3 पे नहीं जाते, पहले इसको देख लेते हैं। s में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 और 2 कितने हुए बच्चों, 4 हुए, हमारे पास कितने हैं 12। p में कितने आते हैं, सर p में आते हैं 6 में डाल दिए, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, अभी भी 2 रह गए, तो 2p के बाद क्या था, 3s था, तो यहाँ लगा दिया 3s। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, ठीक है। अब s के अंदर वैसे भी 2 ही आते हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो हो गए 12। दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर मैग्नीशियम। हाँ जी बोलो बच्चों, समझ में आया, कमेंट में लाजमी बताओ अगर ये चीज़ समझ में आई, हेल्प हुई इससे। 1 से 2 एग्जाम्पल और करते हैं और फिर आपको होमवर्क देंगे। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास होता है 15 एटॉमिक नंबर। कर लोगे, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। चलो भाई 1s 2s 2p, अरे सर याद हो रहा है अब हमें, तो s में 2, s में 2, p में कितने 6, 2p के बाद 3s, 3s, s में 2, 4, 4 और 6 10, और 2 12, कितने रह गए 3 रह गए। अब 3s के बाद क्या आया, 3p आया। p में आ तो 6 सकते हैं सर, लेकिन हम कितने डालेंगे 3, क्योंकि हमारे पास बचे ही 3। 2 और 2 4, 4 और 6 10, और 10 और 2 12, 12 और 3 15, ये हो गई हमारे पास फॉस्फोरस की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर है बच्चों, बोलो। अब देखो 2 और 3, तीन हमारे पास बच्चों स्पेशल केस हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और करें, या कर लोगे ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। स्पेशल केसेस की बात करते हैं, चलो ना समझ में आए तो कोई मसला नहीं, कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो चीज़ भी आपको समझाएं। अब तीन एलिमेंट जो है ना, ये ज़रा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मानते तो हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा इशू आता है, इनको लाजमी देख लो, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर ये दे दे, क्योंकि ज़्यादातर वो यही पूछता है, क्योंकि ये तो सबको आ जाती है वक्त के साथ, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। जो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ है बच्चों, वो है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर इज़ 29, क्या है 29। अच्छा एक और भी है क्रोमियम 24, एक और भी है पैलीडियम पी बी तो प्लम्बम है, लेड दैट इज PED प्लेडियम, और इसका एटॉमिक नंबर इज 46, ठीक है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा चेंज है, ज़रा देखो, ठीक है क्या है। इन तीनों को लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलो भाई 1s 2s 1s 2s 2p 3s और 3p, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डालते हैं 29 हैं, 2 2 p में 6, 2 s में 2 p में 6, कितने हो गए 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, आगे बढ़ते हैं 3 के बाद दोबारा 4s, फिर 3d में कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, ज़रा गौर करना है बच्चों। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 12 18 20, कितने बचे 9, d में कितने आ गए 9। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आप कर सकते हैं, ज़रा आप देखो गौर करना है, ज़रा चीज़ को समझना है। पहला ऑर्बिटल कौन सा है 1, दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है 2, 2, तीसरा 3, फिर चौथा है 4, ज़रा इस चीज़ को समझना है, ज़रा गौर करना है बच्चों, जब तक आप क्लास 2 पास नहीं करेंगे क्लास 3 में कैसे जाएंगे, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो कॉपर ये कहता है कि भाई मेरा जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है ना, वो है 4th शेल, जो कि 4s2 है, तो वो कहेगा कि आखिरी शेल को भरने से पहले तीसरा शेल तो भरो, और तीसरा शेल क्या है 3d9, और d में कितने होने चाहिए 10 होने चाहिए। देखो स्पेशल केस है, तो यहाँ पर हम d को 9 की जगह कर देंगे 10, यानी कि 10, और ये 10 कैसे होगा, ये s अपनी कुर्बानी देगा, s कहेगा कि एक मुझसे ले लो और अपने आप को फिल कर लो, क्लियर। बस इतना सा फर्क है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 3 पहले आता है, 4th शेल आउटर मोस्ट शेल है, तो पहले नीचे वाला भरेगा तो ऊपर वाले में जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और स्पेशल एग्जाम्पल, क्रोमियम 24 है, 1
एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एस में दो, एस में दो, पी में छः, एस में दो, पी में छः, दो और दो चार, चार और छः दस, दस और दो बारह, बारह और छः अट्ठारह, अट्ठारह और दो बीस, ठीक है। फोर एस के बाद क्या आया, थ्री डी आया, थ्री डी आया। अब स्पेशल केस है, चार छः दस, दो बारह, अट्ठारह और दो बीस, पीछे कितने बचे, चार बचे। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है बच्चों, स्पेशल केस क्या है, क्रोमियम ये कहता है कि भाई अगर मेरे डी में होने चाहिए दस, अगेन देखो वही केस है, थर्ड शेल पहले आएगा, फोर्थ इज द आउटर मोस्ट शेल, तो डी कहेगा पहले मुझे भरो, लेकिन नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पर डी के पास दस होने चाहिए, यहाँ पर तो चार हैं, तो वो एस से कितने ले सकता है, दो ही ले सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी ये कहता है कि मुझे आधा मजबूत कर दो, आधा मजबूत कर दो, यानी कि मेरे अंदर जो है ना दस के बजाय पांच इलेक्ट्रॉन भर दो, तो भी मैं इतना मजबूत होता हूं जितना दस पे होता हूं। तो हम क्या करेंगे, डी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, डी को कर देंगे पांच, और कुर्बानी देने वाला तो एक ही है और वो है एस। ये हो गया, क्लियर है, क्लियर है। दो स्पेशल केस हो गए, आखिरी डिस्कस करते हैं बच्चों, वीडियो को खत्म करेंगे, आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको। सो बच्चों आखिरी केस डिस्कस करेंगे जरा जल्दी से, ठीक है, और उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे। सो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। चलो यहाँ तक काम बन जाएगा, ये आगे जाएंगे, चलो आगे जाएंगे। 46, s में 2, 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, 4, 6, 10, 10 और 2, 12, 12 और 6, 18, 18 और 2, 20, यहाँ तक 20 हो गए, 20 हो गए, यहाँ डाले 10, 30 हो गए, 30 हो गए, आगे बढ़ते 3D के बाद 4P, 5S, 4P, 5S और फिर हमारे पास आ गया 4D, 5S के बाद 4D। तरतीब समझ में आ रही है ना, तरतीब से चल रहे हैं। अच्छा जी 20 हो गए थे यहाँ तक, P में कितने आते हैं, 6, 26 और 2, 28 और 28। अब पीछे हमारे पास अगेन आगे जाते हैं, तो ये हो गए हमारे पास 38, 38, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 18, 20, 30, 38, ठीक है, ये हमारे पास हो गए 38। अब देखो 38 के बाद 46 में तो 38 निकाल दिए, कितने बचे, 8 बचे, तो D के पास 8। चलो भाई सारा मसला है डी का। अब डी क्या कहता है बच्चों, डी कहता है कि मुझे पूरा करो, या तो मुझे आधा करना था या फिर मुझे पूरा करना था, दरमियान का कोई रास्ता नहीं। तो यहां पर भी यही होगा, तो डी को हम कर देंगे 10 और कुर्बानी कौन देगा, एस देगा। अब एस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एस के पास क्या बचेगा, 0। सो दीज आर द स्पेशल केसेस स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इससे आपकी हेल्प हुई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।